हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग पता है डेली हम लोग 4 वीडियोस तो अपलोड कर ही देते हैं। सो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जो वाला वीडियो है अभी के ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने 7 यहाँ पे धमाकेदार न्यूज़ है वो यहाँ पे अपलोड कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्लोज से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है, शॉर्ट सेल बंद करने की बात आ रही है, एनपीएस में बदलाव करने की बात आ रही है। सो ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। नोटिफिकेशन के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिल रहे होंगे, तो इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को रोज़ बता देता हूँ। एंड ऐसे 3 वीडियोज़ यहाँ पे मैंने आज के दिन में अपलोड कर दिए। तीनों के तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा, टाइटल से ही समझ में आ जाता है कि जो स्थिति है हमारे फिलहाल मार्केट की, वो तो जितनी है पिटती चली जा रही है। एंड उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। अगर कोई बचाने वाला है तो एक ही है अभी फिलहाल, तो आप सभी लोग पता है जिनका नाम होता है ऑपरेटर्स। वरना तो फिलहाल मार्केट में, हमारे मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि अगर हम लोग उसको पकड़ के आगे बोले कि यस हम आगे जाके यहाँ पे मार्केट को एक स्टेबिलिटी दे पाए। तो आज के दिन की अगर हम लोग शुरुआत ही करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ डो फ्यूचर्स। यस दोस्तों, डो फ्यूचर्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं डो फ्यूचर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकते हैं डो जोन्स 30 फ्यूचर्स यहाँ पे लगभग 5-5.5% की गिरावट, 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 20,000 के नीचे हम लोग ये आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जो कि है डो जोन्स। यहाँ पे डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया है। एंड लगभग यहाँ पे फिलहाल तो 6-7% की गिरावट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट और भी यहाँ पे नीचे ही जा रही है। सो आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं होता है कि अगर अमेरिकन बाज़ार क्रैश हो जाते तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड के जो बाज़ार है वहाँ पर अच्छा खासा संकेत नहीं होता है। सो लगभग यहाँ पे 1500 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। एंड जैसे मैंने कहा कि 20,000 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग लेवल हम लोग मानते थे यहाँ पे DJI से रिलेटेड, वो यहाँ पे टूट चुका है। एंड वहाँ पे 19,900 का लेवल भी टूटने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं 19,800 का भी लेवल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन हो पाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, जितना हो सके फटाफट यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हो किस तरीके से मार्केट जो अमेरिकन बाजार है कंसिस्टेंटली नीचे ही आते चला जा रहा है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस से रिलेटेड अमेरिका भी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि एक बहुत ही अलर्ट सिचुएशन में अभी आ चुकी है। मतलब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे फैलाव होते चला जा रहा है, हम लोग कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से फैलाव ज़्यादा ही वहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। बट येस, इसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडियन मार्केट में कोई भी यहाँ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता। सो उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो एक डेटा देखते हैं और वो डेटा रहता है फॉरेन निवेशक का, यहाँ पे कितना अमाउंट इंडियन मार्केट में आ चुका है या फिर जा चुका है। सो आप सभी लोगों को जूम करके बताना चाहता हूँ, FIIs एंड FPIs की बात करें 18 मार्च आज की ही तारीख है, शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर बाइंग वैल्यू की बात करें तो आपको जूम करके बताना चाहता हूँ 6853 करोड़ इतना बाइंग यहाँ पे किया है। बट येस, उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग सेलिंग की बात करें लगभग 12,000 करोड़ का माल, लगभग 12,000 करोड़ का माल यहाँ पे फॉरेन निवेशक ने यहाँ पे निकाल दिया है। सो नेट वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाय माइनस सेल, सो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल यहाँ पे FIIs ने निकाल दिया है। अगर हम लोग देखते हैं तो इससे पहले 2 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 3,000 करोड़ का माल निकाला था। उसके पहले अगर हम लोग बात करें मतलब कल की दिन की तो 4,000 करोड़, आज के दिन तो 5,000 करोड़। मतलब ये इतना बढ़ते ही चला जा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर आते ही चला जा रहा है। एंड वापस याद दिलाना चाहता हूँ ये हमारे इंडियन मार्केट की बात नहीं है, दुनिया की हर एक मार्केट में यही सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया था कि ऐसा क्यों, क्योंकि फॉरेन निवेशक, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है US की इकोनॉमी। एंड वहां के अगर हम लोग स्टॉक देखते हैं क्या जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं, मतलब एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सिको हो, बड़े बड़े कंपनी है वहां पे। अगर हम लोग वहां पे देख लेते हैं अमेजोन जैसी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। सो ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करोगे तो सभी लोगों को पता है उनकी तो लाइफ बन जाएगी। एंड वहां पे वो स्टॉक है एप्पल का स्टॉक, आप लोगों को बताना चाहता हूं 20% से ज्यादा वहां पे करेक्ट हो चुका था। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। आपको अंदाजा है एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि पाकिस्तान की GDP को 3 गुना करना पड़ेगा तो भी वो एप्पल की बराबरी नहीं कर सकती। सो आप अंदाज़ा लगा लेना कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। बीच में एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि एप्पल, अगर आप एप्पल कंपनी को अलग कर दोगे एज एन अ कंट्री, एप्पल को एज एन अ कंट्री अगर आप अलग कर दोगे कि चलो एप्पल ये कंपनी नहीं है एक कंट्री है, तो वो टॉप 30 कंट्रीज़ के लिस्ट में आती है।
इतना पैसा है उनके पास। सो इसलिए फॉरेन निवेशक क्या कर रहे हैं, दुनिया के हर एक मार्केट से पैसा निकल रहे हैं, एंड एप्पल में पैसा लगा रहे, अमेजोन में पैसा लगा रहे, जितना माइक्रोसॉफ्ट, जितने अमेरिका में अगर आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ पर पैसा लगा रहे। सो यही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है जिसके वजह से फॉरेन निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग DIS की बात करें जो कि है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उन्होंने आज के दिन 18 मार्च में कितना निवेश किया तो देख लेते, लगभग यहाँ पे 11,200 करोड़ का बाइंग उन्होंने किया है जो कि एक अच्छी बात है। बट सेलिंग वैल्यू की बात करें तो 7,600 करोड़ उन्होंने भी माल बेचा है। सो नेट वैल्यू की बात करें 3,636 करोड़ DIS ने यहाँ पे बाइंग की है जो कि एक अच्छी बात है। सो इसीलिए जो मार्केट आज तक हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहा है वो लोअर सर्किट नहीं लग रहा है क्योंकि DIS यहाँ पे कंसिस्टेंटली बाइंग करते ही चले जा रहे, वरना मार्केट हमारा लोअर सर्किट में कभी भी आ सकता है। सो दोस्तों यही डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक चिंताजनक वाला डेटा है क्योंकि अगर मैं आपको लेके चली जाऊँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग होती चली जा रही है। मतलब आप 11th मार्च को देख सकते हो 3000 करोड़, 12th मार्च को 3400 करोड़, 13 मार्च को 6000 करोड़, 16 मार्च को 3800 करोड़, 17 मार्च की बात करें तो 4000 करोड़, 18 मार्च को 5000 करोड़। ये कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो 3, 4, 5 एंड ऐसे लग रहा है कि वापस 6000 करोड़ तक का अमाउंट कल मार्केट में से FIS यहाँ पे निकाल दे क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे और भी ख़राब होती ही चली जा रही है। सो यस, मार्केट में प्रेशर है, वापस कह रहा हूँ कि कंपनीज़ ख़राब नहीं है, ये लगातार माल बेचते चले जा रहे, कंपनी सस्ती हो रही है, जो लोग यहाँ पे उठाना चाहते माल ज़रूर उठा सकते लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सभी लोगों को ज़रूर याद रहेगा क्योंकि 2008 में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको केस स्टडी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे थे 2008 में, उन लोगों ने 40-40 रुपये, 50-50 रुपये, 100 रुपये में स्टॉक्स खरीदे हुए थे, वो बाद में 10 साल के बाद मतलब 2018 में बहुत ही ज़बरदस्त करोड़पति बन चुके थे। अगर आपको देखना है वो कौन है तो आप डेफिनेटली गूगल के ऊपर जा सकते हो, 100 से भी ज़्यादा लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। सो एक मौका होता है कि ऐसे गिरावट वाले सिचुएशन को, बट यस आप सभी लोग पता है रिटेल निवेशकों के लिए ये चीज़ों को पचाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि पोर्टफोलियो इतना नीचे आ जाता है कि एक टेंशन वाला माहौल ज़रूर क्रिएट हो जाता है। बट यस अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है सो वो रिकवर करने के लिए भी 2 से 3 हफ्ता लेते हैं, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये बात इतनी आप लोगों को भरोसा में नहीं लगेगी जब तक वो प्रैक्टिकल आप नहीं देख पाओगे। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फिलहाल बाजार यहाँ पे प्रेशर में एंड जिस तरीके से माल 3000, 4000, 5000 यहाँ पे करोड़ की बात कर रहा हूँ FIS यहाँ पे निकालते चले जा रहे एंड आज के मार्केट अगर हम लोगों ने जैसे ही अभी देख लिया कि DJI की बात करें वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, सो शायद से कल के बाजार के भी अगर हम लोग बात करें तो वो नीचे जाने के ही चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते कि क्रूड ऑयल की फिलहाल की प्राइसिंग यहाँ पे क्या चल रही है। सो $30 आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं $30 प्रति बैरल यहाँ पे चल रहा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जब तक ये 40-50 के रेंज में नहीं आता है तब तक हम लोग कह सकते हैं जो एक प्रेशर रहेगा वो रिलीज़ नहीं होगा, अमेरिकन बाज़ार में हम लोगों को कंसिस्टेंटली गिरावट ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ये तो सारे हम लोग ने फॉरेन की बात करी बट इंडिया की बात करें तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी 4 घंटा हुआ है तो कोरोना वायरस की अपडेटेड 2 मोर केसेस रिपोर्टेड इन अ बैंगलोर। सो यस बैंगलोर में और 2 केसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड बैंगलोर ये हमारे देश का IT हब माना जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है, IT हब माना जाता है एंड वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होना एंड IT की कंपनीज़ को अगर बंद किया जाता है वहाँ पे, अगर कुछ ज़्यादा ही फैला हो जाता है सो एक बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। सो यस हम लोग प्रे ज़रूर करेंगे कि ये 2 केसेस से ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट ना हो सके, बट यस ये अभी अभी न्यूज़ आई है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर कवर करना है। सो जितना कोरोना वायरस से रिलेटेड केसेस हमारे इंडिया में भी बढ़ते हैं ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी तक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं उनको अभी तक क्लोज नहीं किया है, जो अननेसेसरीली वाली चीज़ें हैं लग्जरी चीज़ें मॉल मल्टीप्लेक्सेस स्विमिंग पूल जिम्स उनको बंद किया है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये फैलाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है एंड लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाती है सो ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब चीज़ रहेगी एंड लॉकडाउन की सिचुएशन कब आएगी जब ये नंबर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया हुआ है एंड मैं आशा करता हूँ कि 31 मार्च तक जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है तब तक ये सिचुएशन ऐसी रहे, 500 के ऊपर ये सिचुएशन नहीं जानी चाहिए इंडिया में, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी बात रहेगी। एज सच अगर हम लोगों ने इससे पहले भी बताया कि वायरस से रिलेटेड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वायरस इतना जानलेवा नहीं है बट सिर्फ वो फैलाव ज़्यादा करता है, इसके वजह से जो इन्फेक्टेड नंबर्स है वो बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। बट स्टिल हम लोग कह सकते गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम लोग बात करें स्पेन से रिलेटेड तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्पेन एक ऐसी कंट्री जो कि इटली के बाद यहाँ पे अभी इटली ईरान जर्मनी US एंड उसके बाद स्पेन एक ज़बरदस्त यहाँ पे रडार में आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो स्पेन से रिलेटेड ऑलमोस्ट 2000 नए केसेस एक ही
दिन में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे 2000 न्यू केसेस विद इन 24 आवर्स। सो ये बहुत ही चिंताजनक वाली बात है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्पेन से भी हम लोगों का कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेशन ज़रूर रहेगा। सो वहाँ से भी अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्प्लीटली बंद हो चुका है। स्पेन भी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अपने ही लोगों को वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया है। सो ऐसी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं ये बाज़ार के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एंड इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन बाज़ार भी कल यहाँ पर बचते हुए बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। सो अगर इसको कोई बचा सकता है तो शायद से भगवान भी नहीं, तो बचाएगा तो कोई ऑपरेटर ही, या फिर हम लोग कह सकते कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा है, जैसे LIC। LIC भी चाहे तो मार्केट में पैसा छोड़ सकती है गवर्नमेंट के कहने के ऊपर, जो कि हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे के देखा था कि कैसे लोअर सर्किट लगने के बाद 45 मिनट्स का टाइम था, हॉल्ट था, उसके बाद इतना ज़बरदस्त अपर सर्किट कैसे आ सका था। तो वह जैसे मैंने कहा था कि LIC ने शायद से वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ किया होगा। सो ऐसे ही कोई अगर ताकत है जो जिनके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा है, या फिर ऑपरेटर बड़े बड़े DIIs LIC जैसे, वही मार्केट को यहाँ पे बचा सकते हैं। वरना हम लोग कह सकते कि हमारा मार्केट में लोअर सर्किट लेना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट तय ही है। मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज भी वापस मैं लिख के बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे मार्केट में लोअर सर्किट लग सकता था। अब देख सकते हो DIIs ज़बरदस्त माल उठा रहे हैं, इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अभी तक की सिचुएशन हम लोगों की यहाँ पे फिलहाल गिरावट वाली ही देखने को मिल रही है, ना कि लोअर सर्किट वाली। बट जैसे मैंने कहा था कि DIIs कब तक ये माल खरीदते रहेंगे, यही हम लोगों को यहाँ पे देखने का है। सो फिलहाल सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार से कोई भी अच्छे खासे संकेत नहीं आ रहे। डाउ जोन्स हो, डाउ फ्यूचर्स हो, कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ हो, AGR ड्यूस से रिलेटेड न्यूज है, ऑयल प्राइसिंग से रिलेटेड बात हो, सारी चीजें एक ही चीजें बता रहे हैं कि प्रेशर। यस दोस्तों, प्रेशर। एंड वापस कह रहा हूं कि आप लोगों ने इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर एक लोगों का पोर्टफोलियो नीचे लेके जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन बाजार का भी निवेशक हो उससे रिलेटेड। बाजार में ऐसी चीजें होती रहती है, बट यस इस वक्त का इंपैक्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट रिकवर जब मार्केट हो जाएगा, मैं वापस कह रहा हूं सिर्फ 2 से 3 हफ्ता इतना ही लगता है मार्केट को रिकवर करने के लिए। सो अगर आप अच्छे स्टॉक होल्ड करते हो तो आप लोगों को डरने की जरूरत है नहीं, आप वहां पे होल्ड भी कर सकते हो। बट यस ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज के दिन के भी बाजार की, तो ये कह सकती है कि कल के बाजार में भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि कल हमारा बाजार नीचे जा सके। 10% चांसेस है वो मैं छोड़ देता हूँ ऑपरेटर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं है जो कि बाजार को ज़बरदस्त कमबैक करके लेके आ सके। सो इससे पहले भी हम लोगों ने जो रैली देखी थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि वो एक फेक रैली है, आर्टिफिशियल रैली है, जिसको मार्केट को भगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सो यही बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।